गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दिनांक 20 जुलाई 2020 दिन सोमवार के दिन क्लास टू आपको आज हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाना बताएंगे। क्वेश्चन है, दिए गए एनिमल्स के नाम के सिंगुलर फॉर्म को उनके प्लूरल फॉर्म से मिलाएं। मतलब सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। एक वचन सिंगुलर और प्लूरल बहुवचन क्या होता है पहले आप ये जानिए। सिंगुलर यानी कि एक वचन, कोई भी वस्तु, जानवर, व्यक्ति या कोई भी चीज एक ही हो। मतलब जैसे हम एक व्यक्ति, एक पेन, एक बोर्ड या इस तरह से कोई भी चीज एक ही चीज, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक शेर, इस टाइप से कोई भी एक ही चीज, एक वस्तु, एक व्यक्ति या कोई भी चीज एक ही हो वो एक वचन यानी कि सिंगुलर कहलाती है। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल मतलब बहुवचन। एक से अधिक जितने भी हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, 30 हो गए, 30,000 हो गए, मतलब एक से अधिक कोई भी चीज अधिक मात्रा में हो जाए तो वो प्लूरल हो जाती है। जैसे मेरे पास दो कलम, तो ये सिंगुलर नहीं हुए, दो ये प्लूरल हो गए, मतलब टू पेन्स। तो इसी तरह सिंगुलर से प्लूरल बनाना हम सीखेंगे कि प्रायः अधिकतर नाउन में, कॉमन नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। बाकी और हायर में आपको अभी की कक्षा में आप समझेंगे। अभी हम नॉर्मली सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, मैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। एस से कोई भी चीज एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम देखेंगे लॉयन, LION, लॉयन, लॉयन मतलब शेर, जंगल का राजा। लॉयन का मैंने बताया था कि लॉयन घर भी कहाँ रहता है, घर के बारे में बताया था, जानवरों के घर के बारे में और जानवर की आवाज के बारे में बताया था और जानवर के बेबी एनिमल्स के बारे में भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे। लॉयन, लॉयन का अगर एक शेर, लॉयन मतलब लिखा है यानी कि केवल एक शेर का बोध होता है। अगर इसी को बहुत सारे शेर में करना है तो एक से जितने भी मात्रा में हो तो एस लगा दिए तो यानी कि बन गया लॉयंस, यानी कि बहुत सारे शेर। अब मात्रा में कितने वो नहीं जानकारी इसमें दिया हुआ है, स्पष्ट है, एक से अधिक जितने भी हो। इसी टाइप से कैट, काउ, डॉग, लियोपार्ड, आउल एंड सबका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे और उसको उस वाले में मिलान कर देंगे। इनको आप बना के अभी देखेंगे। धन्यवाद।